Hi friends, so let's continue with basics of income tax. आज से अपन सबसे important lecture start करने जा रहे हैं. आज से मैं आपको tax calculation पढ़ाने वाला हूँ. तो tax में जितना required है वो theory part हो गया, ठीक है? तो उसमें ये theory part को एक बार पढ़कर रखना है, बस. This is only for your knowledge purpose, ठीक है? ऐसे जिसके ऊपर इतने ज़्यादा questions नहीं आते हैं, and आते भी है तो भी आप आगे इतना टैक्स पढ़ने वाले हो कि उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप आराम से आंसर लिख सकते हो. सो आज तक जो मैंने पढ़ा है उसको बस एक बार पढ़ के रखिए, ठीक है? चलो, नाउ इनकम टैक्स जो लगता है वो है सेक्शन 4, आई एम सॉरी, चार्जिंग सेक्शन. तो इनकम टैक्स के जो रेट्स है वो कौन से सेक्शन में दिए? सेक्शन 4. सेक्शन 2 था डेफिनेशन. सेक्शन 3 क्या था? शायद असेसमेंट ईयर था क्या? क्या प्रीवियस ईयर था? देखो, शायद असेसमेंट ईयर था. एंड सेक्शन 4 क्या है? चार्जिंग सेक्शन. सो व्हाट इज चार्जिंग सेक्शन? इनकम टैक्स जो लगता है ना उसके रेट जो है वो इस सेक्शन में दिए हैं. देखो, सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइड दैट द टैक्स शैल बी चार्ज्ड, यहाँ पे चाहिए टैक्स, फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट प्रिस्क्राइब स्पेसिफाइड इन द एनुअल फाइनेंस एक्ट फॉर दैट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन. मतलब क्या है, क्या लिखा है? बोलिए, आपको टैक्स कब देना है? असेसमेंट में टैक्स देना है. लेकिन ये इनकम पे जो अपन टैक्स देंगे वो इनकम कौन से साल का रहेगा? प्रीवियस ईयर का. तो फाइनेंस एक्ट भी कौन सा होगा? वही होगा. अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अपने लिए फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है? 2019. प्रीवियस ईयर क्या है कि नहीं हुआ है? AOP कौन रहता है आपको पता है, AJP पता है, सब पता है आपको. तो इन चार लोगों के लिए ये नीचे स्लैब्स दिए हैं, मैं बताऊंगा क्या है. तो ये चार लोग एक ग्रुप में हैं. आगे नेक्स्ट ग्रुप में कौन है सर? रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है. मतलब 60 होगा तो भी चलेगा, मोर देन 60 होगा तो भी चलेगा. ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920 में जिनका एज 60 या उससे ज्यादा है उनको बोलते हैं इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन, फिर वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है? एंड और एक कैटेगरी है जिनका एज 80 एंड अबव है, मतलब 80 होगा तो भी चलेगा, 80 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, उनको बोलते हैं इनकम टैक्स में सुपर सीनियर सिटीजन. दैट इंडिविजुअल, देर आर 3 कैटेगरीज. कौन से 3 कैटेगरी बताओ? कौन सा 3 कैटेगरी? एक जिसका एज बिलो 60 है, दूसरा 60 to 79, उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, एंड 80 एंड अबाव सुपर सीनियर सिटीजन. ये एज चेक करना है प्रीवियस ईयर में, टैक्स भरते समय का एज नहीं है, वर्डिंग को कैच करना है. क्या बोला? देखो, मैंने दोनों कॉलम में हाईलाइट किया है. क्या वर्डिंग है? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर. तो ये एज जो है, बोलो आप 19-20 में चेक करोगे या 20-21 में? सब लोगों से आंसर चाहता हूं मैं, 1920 में, ठीक है? तो ये आपने नया क्या पढ़ा? सुपर सीनियर सिटीजन. वी नो सीनियर सिटीजन, इनकम टैक्स में देयर इज वन मोर कैटेगरी जिनको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन. तो मैंने अभी हेडिंग्स पढ़ा है, या तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके. नाउ दीज आर द टैक्स रेट इन इनकम टैक्स. नील है कुछ केसेस में, देन 5% है, 20% एंड 30% है. तो हाईएस्ट रेट फॉर दिस एसएससी इज 30%. हाईएस्ट दिख रहा है आपको? नील है, 5 है, 20 है एंड 30 है, जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? चलो, अभी मेरा फोकस है पहले कॉलम पे. पहले कॉलम में चार लोग, एक बार रिवाइज करना चाहूँगा. रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनका एज बिलो 60 है, HOF, AOP BY एंड AJP, चार लोगों के लिए टैक्स रेट सेम है. क्या किया गवर्नमेंट ने? पहले 2.5 लाख तक इनकम को माफ कर दिया है. तो मैंने बीच में भी कहा था कि 2.5 लाख तक इनकम क्या है? माफ है. तो आप जब आर्टिकल शिफ्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपका इनकम 2.5 लाख के अंदर रहेगा, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है. सो 2.5 लाख के ऊपर क्या तो टैक्स देना पड़ेगा? यस,
ना देखो, ढाई लाख से पांच लाख आपका जो इनकम है उस पे 5% देना है. कितना देना है? 5%. ओके, देन आगे सब पांच से ऊपर रहेगा तो 5 to 10 जितना इनकम है उस पे देना है 20%. एंड 10 इज द लास्ट ब्रैकेट, मतलब 10 के ऊपर आपका इनकम कितना भी हो 30% टैक्स आपको देना है. कितना देना है? 30%. ठीक है, ओके. तो अप टू 2.5 लाख नो टैक्स. 2.5 to 5 लाख कितना है? 5%. 5 to 10 20%. अबाउट 10 30%. यहां तक तो आपको समझ में आ गया. अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सब लोग गलती करो. ठीक है, यस. तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्चुअली मैंने पहले पढ़ाना चाहिए एज अ फैकल्टी, बट मैं चाहता हूं आप गलती करो ताकि जब मैं सही पढ़ाऊंगा तो एकदम फिट हो जाएगा. तो एक ओरली करके बताऊं, अज्यूम करो आपका स्टार्टिंग सैलरी 4.5 लाख रुपया है, तो कितना टैक्स आएगा? जितना मैंने पढ़ाया उस बेसिस पे रेट आपको बताएं कि 2.5 लाख से 5 लाख अगर इनकम है तो व्हाट इज द टैक्स रेट? 5%. बोलो आपका इनकम 4.5 लाख इस रेंज में है क्या? अरे हाँ या ना. हाँ, तो अब देखो कितना आएगा. क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ. तो अभी आपका आंसर होगा सर 4.5 लाख रुपए इनकम है. आप करेंगे 4.5 लाख इंटू 5%, 22,500. परफेक्ट गलती की है. आई एम हैप्पी. मैं चाहता था आप खड्डे में गिरो. अगर आप 4.5 लाख पे टैक्स निकालोगे तो 2.5 लाख का एग्जम्पशन आपको कहाँ पे मिला दोस्तों? ऊपर महीने पढ़ा था 2.5 लाख एग्जम्प्ट है. हाँ सर, आपने तो पढ़ा था 2.5 लाख एग्जम्प्ट है. देन व्हाई यू आर कैलकुलेटिंग ऑन 4.5 लाख? तो कैसे करना है सर? अरे ये डिफरेंस के ऊपर है. सो 2.5 लाख से 5 लाख जितना इनकम है उस पे 5%. समझा गया तुमको? तो बोलो 2.5 लाख से 4.5 लाख कितना इनकम है? 2.5 लाख से 4.5 लाख कितना डिफरेंस है? 2 लाख का 5% करना है, 10,000. आप भी कैसे समझ में आए? अभी गड़बड़ नहीं करोगे, इसलिए मैं पहले खड्डे में गिराता हूँ. मजा आता है मेरे को. तुमको समझा कि नहीं? क्या दोनों नहीं समझा? एक सेकंड, सबको समझ में आ गया क्या? कंफर्म? चलो अभी और एक क्वेश्चन पूछता हूँ. आपका इनकम 6 लाख है, देखते अभी कितने लोग सही तरह से कैलकुलेट करते हैं. मैं रिटर्न करने वाला हूँ, मैं ओरली पर्पसफुली पूछ रहा हूँ. 40-50 क्वेश्चन में करने वाला, चिंता मत करो. जब मैं चैप्टर 1 कंप्लीट करूंगा गारंटी देता हूं आप चैंपियन बनोगे, डोंट वरी. अगर आपका इनकम 6 लाख है तो कितना टैक्स देंगे? हाँ बोलिए. अच्छा, 6 लाख इनकम है ना. ओरली सॉल्व करते हैं. पहले 2.5 लाख गया, 2.5 लाख से 5 लाख कितना डिफरेंस है? 2.5 लाख उसका 5%, 2.5 लाख का 5%, 2.5 लाख to 5 लाख ना डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख उसका 5%, 12,500. नाउ 5 to 6, हर एक चीज स्लैब के हिसाब से करना है. 5 के ऊपर के इनकम को 20%, तो 5 to 6 कितना इनकम था मेरा? 1 लाख. 1 लाख का 20%. हाँ, तो 20,000 प्लस 12,500, 32,500. आपको थोड़ा बहुत ऐड आ गया क्या? चिंता मत करो, मैं अपने को गारंटी दिया आप चैंपियन बनोगे. थोड़ा रुको, सब करेंगे अपना आराम से, घाई नहीं है. मैं पर्पसफुली कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको अभी थोड़ा अलर्टनेस तो आ गया ना कि जितना दिखता है उतना सिंपल नहीं है. है इजी और ट्रिक समझ, इसलिए का पजल समझ में आएगा तो 1 मिनट में, नहीं तो 1 घंटे भी नहीं आएगा. अरे समझा कि नहीं आपको? चलो अभी दूसरा क्वेश्चन बोलो, 7 लाख पे कितना टैक्स आएगा? पहले 2.5 लाख तो गया, अगले 2.5 लाख पे, अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500 है ना. देन 5 to 7 कितना डिफरेंस है? 2 लाख का 20%,
40,000, तो 40,000 प्लस 12,500, 52,500, आपको आइडिया आ गया? नहीं या तो टेंशन मत लो, मैं हूँ, आपको समझा दूंगा। मैं अपने आपको क्यों बोला कोशिश करे, कुछ तो आइडिया आएगा आपको, तुमको समझा कि नहीं समझ में? वेरी गुड, बताता हूँ। ओके, आगे देखिए, तो देखो कैसे करना है इन सिंपल वर्ड्स। अगर इनकम आपका 7 लाख है ना, तो देखो अप टू 2.5 लाख कुछ भी टैक्स नहीं आएगा। मैं आधा ही सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि अपन ने टेबल पढ़ा नहीं है, जितना पढ़ा उतना सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज नॉट ए फुल क्वेश्चन। देन 2.5 लाख टू 5 लाख, गवर्नमेंट ने बोला है कि इस डिफरेंस पे हमको 5% चाहिए, पूरे इनकम पे नहीं चाहिए। वी डोंट वॉन्ट इट ऑन 5 लाख, वी वॉन्ट इट ऑन डिफरेंस। तो बोले डिफरेंस कितना है, 2.5 लाख, 2.5 लाख इंटू 5%, 12,000, एंड 5 लाख टू 7 लाख ऑन डिफरेंस 20%। ये स्लैब ऐसे अप्लाई होते हैं, आपको आइडिया आ गया? तो अपन लगभग 40 एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, आप चैंपियन बनोगे, मेरे पे छोड़ दो, बस आपको ध्यान देना मैं लेक्चर पे, बाकी मैं सब करके लूँगा। आपको मेरे को अटेंडेंस चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा, आप उसकी चिंता मत करो। इज दिस क्लियर ना? तुमको आइडिया आ गया क्या करना है? तो बोलो ये 5 लाख पे निकालना है या डिफरेंस पे निकालना है? बस ये डिफरेंस समझ में आ गया ना, आई एम हैप्पी, बस मेरे को वही समझाना था। क्योंकि पढ़ते समय क्या लगता है, 5 लाख पे 5%, फिर 10 लाख पे अगर आप 20% लगाओगे तो डबल टैक्सेशन होगा, मैं सही बोलोगे नहीं? इसलिए डिफरेंशियल के ऊपर, सो दैट डबल टैक्सेशन कैन बी अवॉइडेड। आप सोचो आप 10 लाख पे 20% लगाओगे तो क्या होगा, 5 लाख पे भी डबल टैक्स, एंड जो 2.5 लाख एग्जाम था वो भी टैक्सल हो जाएगा, तो कितना गलत हो जाएगा। तो इट इज ऑन डिफरेंस, इज इज क्लियर? ओके, नाउ अभी सीनियर सिटीजन है तो देखो क्या चेंज है, जरा मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको क्या, बस ये 2 लाइन ही चेंज है जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। बोलिए सीनियर सिटीजन है तो 2.5 का कितना हो रहा है, 3 लाख, एंड सुपर है तो 5 लाख। तो जैसे आपका एज बढ़ेगा, इनकम टैक्स का एग्जम्पशन आपको ज़्यादा दिया है और देना भी चाहिए। तो आपने ने जो 2.5 लाख का एग्जम्पशन है, अपने क्लास में कोई नहीं है ना सीनियर सिटीजन, हाँ दिख तो नहीं रहा है, ग्रेट, तो अपन सबके लिए 2.5 लाख ही है, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जिनका एज 60 एंड अबव है उनके लिए कितना एग्जम्प्ट होगा, 3 लाख, एंड जिनका एज अबव 60 उनके लिए 5 लाख। क्लियर है? बाकी सब कुछ सेम एज इट इज। मतलब अगर मैं यही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, अगर सीनियर सिटीजन मान के, तो कितना एग्जम्प्ट होगा बताओ, बस 2.5 के जगह 3 लिखना है, बोलो अप टू 3 लाख कोई भी टैक्स नहीं आएगा, 3 लाख टू 5 लाख ऑन डिफरेंस 5% कितना आएगा, 10, बराबर ना, एंड 5 टू 7 ये तो सेम ही रहेगा, कितना 11 क्वेश्चन है, बहुत आगे जाना है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, आपने नहीं लिखा तो चलेगा, बस ध्यान दो समझ में आ रहा है कि नहीं, सिस्टम दिमाग में फिट हो गया क्या, उसको बिल्ड करने के लिए टाइम लगेगा। जैसे आप नई टूलर चलाते ना, फर्स्ट टाइम सीखते हो, टाइम लगता है ना ग्रिप आने के लिए, सो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अभी फोकस किस पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बराबर देना चाहिए, मेरा काम क्या आपके पास कॉन्सेप्ट सही तरह से पहुंचाना। तो बस कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया ना, प्रैक्टिस से वो डेवलप होता है, डोंट वरी। एक वीक के बाद बताना आप एकदम इजीली करोगे, हाथ से खेलते करोगे, कैलकुलेटर पे करोगे, गारंटी देता हूँ। अच्छा यही बंदा अगर सुपर सीनियर रहे तो क्या होगा, सुपर सीनियर सिटीजन रहता हूँ, 3 की जगह कितना लिखूंगा मैं, अप टू 5 लाख 0 एंड डायरेक्टली 5 लाख टू 7 लाख 20% कितना आएगा, ठीक है आपको समझा क्या? तो मैंने 7 लाख की इनकम माना है, पहले केस में एज कितना है बिलो 60, दूसरे केस में 60 टू 79 कितना भी एज हो, एंड तीसरे केस में 80 एंड अबव कितना भी एज हो। इतना समझ में आया क्या? बोलिए अभी तुम्हारा डाउट कंफर्म क्लियर हो गया, तुमको समझ में आ गया क्या करना है, डिफरेंस पे अप्लाई करना है, किस पे करना है, हाँ तो पहले देखो ना तुम, पहले 2.5 लाख पे कुछ भी नहीं आएगा, बताओ 2.5 लाख से 5 लाख कितना डिफरेंस है, हाँ
हाँ 2.5 लाख करो उसका 5%, देखो आ रहा है क्या तुम्हारा आंसर? आ गया, कितना आ रहा है? 12,400। आगे 5 to 7 कितना डिफरेंस बताओ, 5 लाख से 7 लाख कितना डिफरेंस है? 2 लाख, 2 लाख का 20% करके देखो, 2 लाख का 20%। अभी समझ में आ, इट्स वेरी सिंपल, डोंट वरी, आ जाएगा, आप चिंता मत करो, इट्स वेरी इजी। यहाँ तक तो आइडिया आ गया, ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी कल अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, सरचार्ज। सरचार्ज इज ए एडिशनल टैक्स पेबल बाय रिच पर्सन एंड सरचार्ज इज ए टैक्स ऑन टैक्स। कल का लेक्चर भूल मत जाना। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ओके देखो फाइनेंस एक्ट 18 में 2 ही थे, अब ये 4 हो गए। तो ये सरचार्ज कब लगता है देखिए, अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है तो ही लगता है, दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। तो एग्जाम में जब इनकम 50 लाख के अंदर आएगा नो सरचार्ज, 50 लाख के ऊपर है तो टैक्स तो देना ही है एज पर द अबव स्लैब्स, सरचार्ज भी देना है। व्हाट इज द रेट? 10%। 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, अभी पहले वाले में था अबव 1 करोड़ 15%, अभी उसको बढ़ाया गया है। तो ये रहा अपना पहला अमेंडमेंट, लिखा है मैंने फाइनेंस एक्ट 2019। अभी 2 करोड़ के ऊपर एंड अप टू 5 करोड़ 25% सरचार्ज लगाया गया है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब टैक्स का 1/4 हो गया, बिकॉज इट इज लिविड ऑन टैक्स। एंड अगर आपका इनकम 5 करोड़ के ऊपर है तो 37% सरचार्ज, टू मच, इनकम का ऑलमोस्ट 1/3 एंड ज़्यादा, टैक्स का 1/3 से भी ज़्यादा हो गया। तो ये 2 अमेंडमेंट्स है फाइनेंस एक्ट 2019 के, पहले के बुकलेट में 2 ही थे, इस बुकलेट में 4 है। तो किसी ने अगर पहले पढ़ा रहेगा तो यू माइट हैव स्टडीड ओनली 2, नाउ देयर आर 2 मोर एक्स्ट्रा एडिशन। सो ये प्रूफ है कि ये नए लेक्चर से है, इज दिस क्लियर? एंड हेल्थ एंड एजुकेशन कितना है बोलो? वो तो पहले से था, कितना था? 4% था ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज। बोलो थियोरेटिकल आइडिया आ गया आपको, न्यूमेरिकल करना है, बट एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया कॉन्सेप्ट, ओके गुड। अमेंडमेंट क्या समझ में आ गया? सरचार्ज, बोलो कब लगेगा सरचार्ज? बोलो 50 लाख के अंदर तो नहीं, बोलो 50 लाख से 1 करोड़ रेट, बोलो सबको आंसर देना है, बोलो एक्सेलेंट। 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, अबव 2 करोड़ 2-5 करोड़ 25, एंड अबव 5 CR, हाँ लास्ट के 2 अमेंडमेंट्स है जो पहले नहीं थे, इज दिस क्लियर? ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ ये है रिबेट। सर रिबेट रिलीफ के बारे में कल कुछ तो चर्चा हुआ था लास्ट 1-2 लेक्चर में, एग्जम्पशन डिडक्शन एंड रिलीफ। सो मैं आपसे सुनना चाहूँगा, एग्जम्पशन डिडक्शन रिड्यूसेस आंसर इनकम एंड रिलीफ रिड्यूसेस, हाँ तो जिनका इनकम कम है उनको गवर्नमेंट टैक्स में भी छूट देती है, तो किन लोगों को मिलता है लेट अस स्टडी। देखो रिबेट इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है, कंडीशन क्या है ये क्लेम करने के लिए एंड की नोट्स। पहला कंडीशन, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज नेट इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, पहले ये 3.5 लाख था तो गवर्नमेंट ने भी 5 लाख कर दिया है। अब इसमें पढ़ाना क्या बाकी है? रेसिडेंट वर्ड पढ़ाना बाकी है, बट वो चैप्टर 2 में आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जिनका नेट इनकम 5 लाख या उससे कम है, किससे कम है? 5 लाख या उससे, उनको टैक्स में भी छूट दी जाएगी। तो अपन ने जो ऊपर कैलकुलेशन किया ना उसमें आपको छूट दी जाएगी, क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। कैन आई विल रिपीट अंडर सेक्शन 87, देखो फाइनेंस एक्ट 2019 लिखा है, जहाँ जहाँ पे आपको मेरे नोट्स में वर्ड्स आएंगे मतलब ये इस साल का अमेंडमेंट है। ये आपको मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि किसी ने अगर पहले टैक्स पढ़ा रहेगा तो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं कि क्या चेंज हुआ है, फटाफट उसको आइडिया आएगा कि बाकी सब सेम ही है, स्टडी बहुत फास्ट होता है। क्योंकि हर स्टूडेंट 2-2 बार क्लास नहीं लगाता, जिसने पहले क्लास किया है उसको पढ़ने के लिए ही होता है, इसलिए वो करके दिया है। कितना रिबेट मिलेगा सर? द अमाउंट ऑफ रिबेट इज 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। तो रिबेट कितना मिलेगा बताइए? 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। सर 12,500 कहाँ से है बताओ? 5 लाख तक टैक्स कितना आता है? 2.5 लाख पे कुछ भी टैक्स नहीं आएगा, 2.5 to 5 लाख डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख, उसका 5%। इन सिंपल वर्ड्स कैन वी
कि सर जिनका इनकम इंडिया में एग्जैक्टली 5 लाख है उनको 1 रुपये टैक्स देने की जरूरत नहीं है. यस, कितना बहुत बड़ा रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है, मोदी गवर्नमेंट ने. जिनका इनकम कम है 5 लाख है उससे अंदर है नो टैक्स एब्सोल्युटली. बट 5 लाख के ऊपर गया तो फिर टैक्स देना है, फिर तो प्रॉपर कैलकुलेशन होगा. ठीक है, मतलब 5 लाख 20,000 है तो खाली 20 पे कैलकुलेट नहीं करना है, पूरे 5-20 पे कैलकुलेट करो. रिबेट नहीं मिलेगा, टैक्स भरना है. मैं क्या लोगों को समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली 5 है या उससे कम है तो मिलेगा. 5 लाख 20 हज़ार है तो कोई रिबेट नहीं मिलेगा. नॉर्मल कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना है. तो आप बोलेंगे 5 लाख का तो दो, वैसे नहीं है, ये लिमिट है. 5 के अंदर तो मिलेगा, नहीं है तो भूल जाओ रिबेट का कॉन्सेप्ट, टैक्स निकालो भर दो. आई थिंक क्लियर है थियोरेटिकली. नाउ कुछ की नोट्स. सर ऊपर जो नेट इनकम लिखा है ना उसका मतलब क्या है? व्हाट डू माय नेट इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं समझा तो प्रोविजन समझ के मतलब नहीं है. नीचे नोट में दिया देखो, नेट इनकम का मतलब है. देखो ये कुछ अपन ने कल पढ़ा है क्या? कुछ पढ़ा है ना, समझा क्या मेरे पहले लेक्चर का वैल्यू? लोगों को लगता है कि मतलब काफ़ी लोगों की थेरी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट मैंने कहा था मैं लेक्चर थोड़े में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ, बट अभी फटाफट हो रहा है कि नहीं. नेट इनकम कल पढ़ा कि नहीं अपन ने? क्या है बोलो, GTR माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2 80U. ये इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आपको रिबेट मिलेगा. एंड इट इज टू बी डिडक्टेड बिफोर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. सो ये क्या है जरा दोस्तों ध्यान से सुनना. मैंने आपको कल डायग्राम बना के दिया था ना, सुनिए. पहले टैक्स आता है, मैंने कहा था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको लिख के दिया है, या फिर और एक स्ट्रक्चर बन सकता है, टैक्स प्लस SC प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ऐसे तीन स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं. अभी लॉजिकली बताऊं, रिबेट किस बंदे को मिलेगा जिसका इनकम 5 लाख के अंदर है? मतलब जिस केस में सरचार्ज आएगा वहां पे रिबेट आ सकता है कि आप बताओ लॉजिकली? नहीं, या तो रिबेट आएगा तो सरचार्ज आएगा. अरे हाँ या ना? हाँ. अभी इस बंदे को रिबेट मिलेगा, ये रिबेट उन्होंने बोला है कि अभी क्वेश्चन क्या है, ये जो माइनस होगा जो भी अमाउंट है ये टैक्स प्लस सेस के बाद माइनस करना है या क्या करना है? तो पढ़ो लास्ट लाइन क्या बोला उन्होंने, देखो. टैक्स माइनस रिबेट करो, फिर जो अमाउंट आएगा उस पे ऐड करो 4%, ऐसा उनका कहना है. टोटल में से माइनस मत करो. क्यों सर ऐसा क्यों? गवर्नमेंट बोलते कि भाई हम तेरे से हेल्थ एंड एजुकेशन 4% ले रहे. कितना ले रहे? 4%. उसमें काय का रिबेट? टैक्स में से रिबेट देंगे, ये सेस तो खाली कितना है, हाँ उसमें तुमको छूट नहीं मिलेगी. तो रिबेट जो मिलेगा प्योरली टैक्स में मिलेगा, इसलिए वो सेस के पहले माइनस करना है, सेस के बाद माइनस नहीं करना है. आपको थियोरेटिकली समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो बोलो क्या क्या 4 पॉइंट लर्न करना है. बोलो, पहला, ये रिबेट मिलने के लिए पहला कंडीशन क्या है? SC होना चाहिए, रेसिडेंट. उसका नेट इनकम कितना होना चाहिए? बोलो 5 लाख होगा तो भी चलेगा, उससे कम होगा तो भी चलेगा. व्हाट डू माय नेट इनकम, एक बार रिवाइज हो जाए. आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड. GTR माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U. एक्सेलेंट. एंड लास्ट, ये माइनस कब करना है सर? हेल्थ एंड एजुकेशन ऐड करने के बाद या उसके पहले? उसके पहले माइनस करो, बाद में सेस लगाओ. मतलब गवर्नमेंट आपको सेस में रिलीफ नहीं दे रही, क्योंकि हम आपको खाली टैक्स में रिलीफ देंगे. सेस तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हम 4% मांग रहे तेरे से, अब उसमें तुमको रिलीफ चाहिए. इतने गरीब हो तुम कि 4% नहीं भर सकते टैक्स का? तो वो तो कहा कि भरना ही पड़ेगा. क्लियर है? सो दूसरा टेबल आपको समझ में आ गया. तीसरा टेबल, अगेन राइट नाउ फोकस ओनली ऑन अंडरस्टैंडिंग. कौन सा अंडरस्टैंडिंग? थियोरेटिकल. देखो क्या है पहला पॉइंट, नॉन रेसिडेंट SSC. अच्छा सर, हु इज नॉन रेसिडेंट? अगेन वेट फॉर चैप्टर 2. ना मैंने आपको रेसिडेंट पढ़ाया ना नॉन रेसिडेंट, पढ़ाऊंगा मैं. फॉर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल एग्जेम्प्टेड इनकम शैल बी 2,50,000. मैं कुछ तो भी हाईलाइट कर रहा हूं, बोलिए क्या हाईलाइट किया बताओ. ये मैंने हाईलाइट किया उसका मतलब कौन बताएगा? यस, मैंने हाईलाइट किया है. देखो उसका मतलब क्या है,
Irrespective age का मतलब क्या है रे? बहुत simple है, इतना कुछ difficult थोड़ी है. हाँ, मतलब यहाँ पे senior citizen, super senior citizen का benefit नहीं मिलेगा. मतलब आप अगर non resident हो एंड अगर आपका ये 65 भी होगा तो exemption 2.5 लाख का ही मिलेगा. कितना का मिलेगा? 2.5 लाख. मतलब क्या होगा सर, जरा एक बार डिटेल में बताओ. सुनिए, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, एज बिलो 60 है तो 2.5 लाख. ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो 3 लाख, 2.5 लाख. ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो 5 लाख, 2.5 लाख. अब इससे इजी नहीं कर सकता मैं. मतलब उनके लिए एज कितना भी हो, उनके लिए 2.5 लाख का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. सॉरी, मतलब 3 और 5 का बेनिफिट नहीं मिलेगा. वो खाली किसको मिलेगा? रेसिडेंट को मिलेगा. आपको समझा कि नहीं? वो पॉइंट का ये मतलब है. अगर आपको चाहिए तो लिख के रखिए. सो दीज आर द एग्जम्प्टेड लिमिट या एग्जम्पशन लिमिट. एग्जम्पशन लिमिट आप चाहे तो लिख रख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो. बहुत सिंपल है, ये उनका कहना है. हो गया? चलो, shall we go ahead? ओके, आगे देखो. समझ में आ गया क्या लिखा है? आगे दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट. सर सरचार्ज उनके लिए कुछ अलग है? नहीं, सरचार्ज देखो एज पर द टेबल की बना पाओ, वो सरचार्ज ऊपर जो है उसके हिसाब से होगा. सेस एज इट इज होगा. नाउ ध्यान दो, रिबेट मिलेगा कि नहीं? रिबेट में पढ़ो. अच्छा, रिबेट में पहला कंडीशन क्या है? रिबेट किसको मिलता है बोलो? किस बंदे को मिलता है रिबेट? कंडीशन में पहला पॉइंट रेसिडेंट. ये कौन है बोलो? रिबेट मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा. बस ये दो जो हाइलाइटेड पॉइंट है वही नए हैं, बाकी सब सेम ही है. इसलिए मैंने कहा कि मार्कर साथ में रखो, मैं जहाँ जब हाईलाइट करूँ उसको पेंसिल पेन से क्या बाद में सब एक जैसा लगता है, समझ में नहीं आता क्या इंपॉर्टेंट है. क्योंकि पेंसिल पेन अपन हर जगह पर यूज़ करते हैं, बट हाईलाइटर यूज किया मतलब समझ में आता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो इन दोनों को हाईलाइट किया तो आपको बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी सब एज इट इज ही है. सो दिस इज द वे यू कैन मिनिमाइज योर बर्डन. जितना आप मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइट करोगे नेक्स्ट टाइम उतना ही रिवाइज करना है. आपका काम कम होना चाहिए. देखो सही पढ़ाई किसको बोलते हैं? नेक्स्ट टाइम पढ़ते समय टाइम कम होना चाहिए, तो उसके लिए जो जो रिक्वायर्ड है वो करना है. तो अगर आप की पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे तो उस पेज पे उतना ही पढ़ना है, तो आपका टाइम सेव होगा कि नहीं, दैट इज द रियल स्टडी. ठीक है, चलो. तो ये 3 टेबल जो हो गए अपने, समझ में आ गया? ओके, अभी थोड़ा कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन. ठीक है, चलो. उधर ही आंसर लिखना है, मैंने आपको जगह दिया है. देखो, कंप्यूट टैक्स इफ इनकम ऑफ एक्स एज 26 इज 7 लाख. ठीक है, चलो. तो बोलो एज 26, बोलो एग्जम्पशन लिमिट कौन सा होगा? 2.5 लाख. कौन सा होगा एग्जम्पशन लिमिट? 2.5 लाख का होगा. लिखो अप टू 2.5 लाख. लिखो डिटेल का मतलब डिफरेंस लिखना है. बोलो डिटेल्स का मतलब क्या है? यू कैन राइट योर डिफरेंस. बोलो अप टू 2.5 लाख कितना टैक्स है? नील. सो नील इंटू 2.5 लाख नील, जीरो. मतलब बोलो आगे, आपने को 7 लाख से जाना है. बोलो 2.5 लाख से 5 लाख. बोलो 2.5 लाख से 5 लाख कितना डिफरेंस है? 2.5 लाख. अच्छा, कोई इस कॉलम में कन्फ्यूजन है ना डिटेल में? बोलो डिटेल में क्या लिखना है? सब लोग आंसर दो एक बार. डिफरेंस लिखना है, ओके ना? नो मोर कन्फ्यूजन. बोलो 2.5 लाख पे व्हाट इज द रेट? बोलो कितना आ रहा है? 12,500. आगे जाना है क्या? हाँ जाना है सर, 7 लाख तक है ना. बोलो 5 लाख से 7 लाख कितना डिफरेंस है? 2 लाख. रेट बोलो दोस्तों कितना हो गया? रिबेट मिलेगा क्या? रिबेट, रिबेट मिलने के लिए इनकम 5 लाख के अंदर होना चाहिए. ये तो 7 लाख है. बोलो रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एब्सोल्युटली नहीं मिलेगा.
बोलो कितना आएगा 50 to 500 इंटू 4%, तो 50 to 500 का 4%, 2100, सो कितना आएगा टोटल 54,600। सर सरचार्ज क्यों नहीं आया, अरे 50 लाख के अंदर इनकम है। सर रिबेट क्यों नहीं आया, अरे 5 लाख के ऊपर है ना। टैक्स में 4 ही चीजें आती, बाकी कुछ नहीं आता, इतना ही है। बोलो अभी, यस अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आपको जहां पे डाउट है आप पूछ सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन, ऐसे 40-50 क्वेश्चन में लेने वाला हूं, बस आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। बस आप ध्यान दो कि सिस्टम दिमाग में फिट होना चाहिए, ग्रिप आने के लिए टाइम लगेगा, पेशेंस रखो। शैल वी गो अहेड, सबको समझ में आ गया? अरे जोर से बोलो ना, हाँ फिर और जोर से, हाँ गुड। सेकेंड क्वेश्चन, कंप्यूट टैक्स इफ इनकम ऑफ मिसेस एक्स एज 26 ईयर्स इज 3.3 लाख्स। चलो बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख? 2.5 लाख, क्यों 2.5 लाख? क्योंकि एज इज बिलो 60। चलो लिखो अप टू 2.5 लाख, लिखो रेट इज नील, टैक्स इज नील। आगे ना 2.5 लाख से 5 लाख है, लेकिन जब आपका इनकम 3,30,000 होगा तो आप 5 लाख पे टैक्स दोगे या 3,30 पे ही दोगे? हाँ, सो 2.5 लाख से 3,30,000, बोलो कितना डिफरेंस है? 80,000, 80,000 का 5%, 4,000, सो टोटल आ रहा है 4,000। याद है क्या हम साथ साथ हैं या कोई है हम आपके कौन? नहीं ना। हाँ ना, क्वेश्चन इज रिबेट मिलेगा कि नहीं? रिबेट मिलने के लिए दो कंडीशन, पहला इनकम 5 लाख के अंदर है क्या? है ना सर, लेकिन रेसिडेंट है क्या? क्वेश्चन पढ़ो, शायद नहीं दिया है, हाँ तो ध्यान में रखना, जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा उसको रेसिडेंट एज्यूम करना है। दिस इज एकेडमिक एजम्पशन, प्रैक्टिकली वी कैन चेक बट इन एग्जाम। सो क्या दिस इज द सेकेंड एजम्पशन, दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन। बोलो क्या एजम्पशन फॉलो करना है टैक्स निकालते समय? अगर रेसिडेंट स्टेटस नहीं दिया है तो उसको क्या मानना है? रेसिडेंट मानना है। और एक चीज बताता हूँ, अगर एज भी नहीं दिया है तो उसको बिलो 60 मानना है। क्या मानना है? तो हेंसफोर्थ प्लीज रिमेंबर दीज टू एजम्पशंस। बोलो व्हाट इज द फर्स्ट एजम्पशन? अगर रेसिडेंट स्टेटस नहीं दिया है तो क्या मानना है? रेसिडेंट मानना है। सेकंड एजम्पशन, इफ एज इज नॉट गिवन एज्यूम टू बी बिलो 60, मतलब 2.5 लाख का स्लैब अप्लाई होगा। इज दिस सिंपल? चलो तो रिबेट मिलेगा क्या? अरे हाँ या ना, रेसिडेंट है क्या? हाँ, ऐसा एज्यूम करेंगे तो रिबेट कितना मिलता है? सुनो अभी जरा स्क्रीन पे ध्यान दो, 100% ऑफ टैक्स जो प्रोविजन में क्या लिखा है, देखो प्रोविजन कहाँ पे, मैं आता हूँ प्रीवियस पेज पे, क्या लिखा है देखो कंडीशन में दूसरा, 100% ऑफ इनकम टैक्स। ये कौन सा 100%? ये वाला 4,000, ये वो। तो आपका जो इनकम है ना उसका, आपका जो इनकम है उसका, तो बोलो आपकी इनकम में कितना टैक्स है? 4,000 और 12,500 विच एवर इज लेस। बोलो 4,000 छोटा या 12,500 छोटा है? एक्सेलेंट, सही जवाब। तो लेस करो 4,000, 0,0,0 है ना, करो 0 into 4%। जरूरत है क्या? नहीं, इसलिए मैंने 0,0 लिख दिया। आप समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, दोनों समझदार है। हाँ चलो, शैल वी गो अहेड नाउ? दो क्वेश्चन आपको आइडिया आ गया, पहले से दूसरा ज्यादा बेटर हो गया, ऐसे धीरे धीरे सब आएगा। तीसरा क्वेश्चन, अभी देखो कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी इन फॉलोइंग केसेस। देखो ये मैंने एसएससी के नाम दिए हैं, पहला एसएससी कौन है? मोहन, वो रेसिडेंट है, एज 40 है और इनकम 2,60,000 है। तो बताइए पहले रिबेट मिलेगा कि नहीं, चेक करो। रेसिडेंट है क्या? हाँ सर। इनकम बाज के अंदर है क्या? हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी यस नो लिख के दिया है,
ये एग्जाम में आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये पहला क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको हेल्प किया है। तो एग्जाम में ये दो चीजें खुद होके बाय डिफॉल्ट चेक करना है कि रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे दूसरा देखो, मिसेस स्वाति नॉन रेसिडेंट, आगे जाने की जरूरत नहीं, बताओ खाली रिबेट मिलेगा कि नहीं, नहीं इसलिए नो लिखा है। इनकम है 275, अच्छा उसका एज 65 है, नॉन रेसिडेंट एज 65, बोलो 2.5 लाख या 3 लाख, 2.5 लाख अभी पड़ा था, नॉन रेसिडेंट के लिए 3 लाख का स्लैब आता है, नहीं होगा। तो अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड, ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, बट यू नीड टू हैव मोर अलर्टनेस, चौकन्ना रह के काम करना पड़ता है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, अरे एक ही सिस्टम फॉलो करना है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते, सिस्टम एक ही, खाली अमाउंट बदलेगा। तो ये वेरी इजी टू कैलकुलेट है, बस फोकस रखो। नेक्स्ट, बंसल रेसेंट है, एज 25 है, इनकम 4,50,000 है, बोलो रिबेट मिलेगा? यस, लास्ट से मैंने पढ़ा था रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर लिमिट 3.5 था, अब लिमिट 5 लाख हो गया ना, तब इसको भी रिबेट मिलेगा। नेक्स्ट, प्रियंका रेसेंट है, एज 21, इनकम 5,10,000 है, रिबेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैंने कहा ना कि 5 के ऊपर गया तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, नॉर्मल एसईसी मान के पूरा टैक्स देना पड़ेगा, वो 12,500 नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। मिसेस रेशम रेसिडेंट एज 60 है, कुछ याद है क्या? रेसिडेंट एज 60, तो इसका जब अपन टैक्स निकालेंगे तो 2.5 लाख लेंगे या 3 लाख? 3 लाख। क्यों? अरे क्यों? बिकॉज वो सीनियर सिटीजन है। इनकम कितना है? 12 लाख, रिबेट नहीं मिलेगा। आगे, मिसेस राधा रेसिडेंट एज 80, इनकम 18 लाख है, सर रिबेट नहीं मिलेगा, 5 लाख के ऊपर है। मिस माधुरी रेसिडेंट एज 21, इनकम 265,500, सर मिलेगा ना रिबेट, कोई अड़चन ही नहीं है। क्यों मिलेगा बताओ दोस्तों? तो मैंने 3 जगह पे यस लिखा है, उसको हाईलाइट करना है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर रेडी करके सॉल्व करना है, दबा-दब सॉल्व नहीं करना है, दिमाग को शांत रखो, सोचो फिर सॉल्व करो, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे टेक्निकल लेवल का मिस्टेक नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा तो सिली मिस्टेक ही होगा, लिख के देता हूँ। चलो बोलिए, अभी आपको ये क्वेश्चन का एनालिसिस था, अभी अपन धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो पहला, अभी नीचे टेबल में अपने को आंसर लिखना है, लेकिन अपन नोटबुक में सब लोग सॉल्व करने वाले हैं, सो प्लीज टेक नोटबुक एंड विल बी डूइंग इट ऑन नोटबुक, उसमें बाद में लिखेंगे अपन, ठीक है? चलो मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करेंगे। चलो बोलो, पहला इनकम कितना है? लिखो, इनकम 2,60,000, ठीक है? ओके चलो लिखो नीचे। अच्छा, रुपीस का कॉलम आई वांट ऑन एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, बीच में मत लिखो। देखो स्टूडेंट क्या करते गलती, देखो एक बताता हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया, ये आपका पेज है ना, यहाँ पे इनकम लिखते और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं नजदीक नजदीक, अरे ये जगह क्या क्रिकेट खेलने के लिए खाली छोड़ा है या रंगोली डिजाइन वहां पे बनाना है? तो अमाउंट कॉलम ऑन एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, ताकि पर्टिकुलर्स में प्रॉपर आपको जगह मिल जाए लिखने के लिए। चलो सो दो कॉलम करना है, लिखो पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर साइन रुपीस। अभी बताओ एज कितना है, सब सोच के बताओ, 2.5 लाख या 3 लाख, एज कितना है? बिलो 60 है ना, हाँ तो बोला स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? अरे 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख? 2.5 लाख मतलब 2,50,000, हाँ लिखो अप टू 2,50,000, व्हाट इज द रेट? नील, लिखो नील। आगे बोलो 2,50,000 टू
2,60,000 सर, लेकिन अगला साहब तो 5,00,000 का है सर, आप 2,60,000 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मेरा इनकम ही 2,60,000 है तो मैं 5 तक टैक्स क्यों दूंगा? मैं सही बोलोगे नहीं, एंड देना है तो मेरे को तो गवर्नमेंट नहीं लेगी, देना है क्या? नहीं ना, तो फिर बराबर लिखो। बोलिए ऑन डिफरेंस 5% है, आगे ना रिपीट ऑन डिफरेंस, सो 2.5 to 2.6 कितना डिफरेंस है? 10,000 का 5%, रिबेट मिलेगा क्या? अपन ने यस नो लिख के रखा है, अरे मिलेगा क्या रिबेट? मिलेगा, लेस रिबेट, रिबेट सेस के पहले आता है, ये भी अपन ने पढ़ा था ना। हाँ, मतलब गवर्नमेंट सेस में आपको कोई रिबेट नहीं दे रही है, टैक्स में दे रही है। बोलो रिबेट कितना मिलता है? 12,500 और दिस 500, विच एवर इज लेस, 500 रिबेट का मैक्स लिमिट कितना है? 12,500, तो ये जीरो आएगा। बोलिए, ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, सबको समझ में आया कैसे करना है? सबका लिख के हो गया? हाँ बोलो ना जोर से। हाँ अभी आप लिख दो फिर टेबल में, लिखो लिखो, इनकम 2,60,000, टैक्स आ रहा है 500, रिबेट 500, सो टैक्स आफ्टर रिबेट इज जीरो, से जीरो, टोटल जीरो, राउंडेड ऑफ जीरो। तो अपने से सॉल्व करके एक 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 टेबल में लिखेंगे ताकि अपना प्रैक्टिस अच्छा होगा। अभी देखो तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन के पहले से बेटर समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तो आएगा, आप बस कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो, प्रैक्टिस करके करते मैं डेवलप करके दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। चलो दूसरा क्वेश्चन बोलो कितना है दोस्तों? कितना दूसरा? 275 एसएससी नॉन रेसिडेंट है, ओके। चलो नॉन रेसिडेंट तो क्या क्या होगा बताओ जरा, मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया था, नॉन रेसिडेंट के लिए क्या क्या होगा सर? बोलो क्या क्या होगा फॉर नॉन रेसिडेंट? हाँ, उनके लिए एज का क्राइटेरिया नहीं होगा, उनके लिए 2,50,000 का एग्जेम्पशन होगा और उनको रिबेट भी नहीं मिलेगा। अरे याद आ रहा है कि नहीं? चलो तो लिखो, लिखो अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं आएगा, 2.5 लाख से 2.75 लाख, इस पे 5% है ना? हाँ तो बताओ 25,000 का 5% कितना आएगा? 1,2,000 ऐड, रिबेट तो नहीं मिलेगा, क्यों? नॉन रेसिडेंट है। ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन टैक्स, तो 1,250 पे 4%, इट्स अ टैक्स ऑन टैक्स, कितना आ रहा है? 50। बोले दूसरा क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया? इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या अंडरस्टैंडिंग में? सबका हो रहा है ना? गुड, होगा, आप टेंशन मत लो। सी आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा होना इम्पॉसिबल है, डोंट वरी अबाउट दैट, बस आपको मेरे साथ चलना है, बस दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अभी अपना फ्लाइट ने टेक ऑफ किया है, 4 महीने के बाद लैंडिंग होगा, तब तो मेरे फ्लाइट में बैठना है, जो बीच में उतरेंगे वो लटकते रहेंगे, पैराशूट नहीं अपने पास है ना, बस सिंपल। चलो उस टेबल में लिख दो, बोलो कितना इनकम है?
2,75,000 कितना टैक्स आ रहा है बोलो 1,250 रिपीट नहीं है सर 4% 50 1,300 ही है राउंडिंग ऑफ करने के बाद भी 1,300 ही रहेगा अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 10 वो तो होगा नहीं ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है पर राउंडेड ऑफ को राउंडेड ऑफ नहीं करना है नहीं तो आपके मार्क्स भी राउंडेड अप टू जीरो हो जाएंगे समझ में आ गया नहीं आखिर में आपको आइडिया आ गया कैसे टैक्स निकाला जाता है आगे तीसरा प्रश्न चलो 4,500,000 इनकम है चलो देखते हैं अभी चलो करो स्टार्ट चलो अभी आप ट्राई करो मैं 2 मिनट रुकता हूँ आना चाहिए सबको अभी याद है देखो करेक्ट है क्या रिबेट मिलेगा यस लास्ट ईयर तक हम क्लेम नहीं करते थे क्योंकि लास्ट ईयर 3,500,000 था अभी अब 5,00,000 हो गया है ना तो कोई अगर पुराना जिसने अगर अपने लेक्चर देखा है तो कन्फ्यूजन ना हो जाए नाउ लिमिट हैज बीन एनहांस्ड टू 5,00,000 तो पहले हम क्या करते थे 4% से ऐड करके क्वेश्चन खत्म करते थे बट अभी आपको इस साल से रिबेट मिलेगा लेस बोलो कितना मिलेगा रिबेट 12,500 और ये टैक्स विच एवर इज लेस 10,000 समझा कि नहीं आ तक चलो टेबल में लिख दो फिर फटाफट कितना था इनकम 4,50,000 10,000 0,0,0,0 तो अपन ने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ठीक है अपन एकदम आराम से पहला चैप्टर अपन एकदम थोड़ा आराम से करेंगे इंटेंशनली मैं फाउंडेशन बिल्ड करना चाहता हूँ तो कोई गाई नहीं अपने को आराम से चलने दो स्पीड बढ़ेगा डोंट वरी मैं इंटेंशनली थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ताकि मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ डाउट रहे एकदम सिस्टमेटिक रहे चलो फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे कितना इनकम है 5,10,000 बराबर ना अरे हाँ या ना चलो दोस्तों एज चेक करो कितना एज है ओके बोलो पहला क्या लिखो अप टू 2.5 लाख नो टैक्स आगे 2.5 लाख टू 5 लाख ऑन डिफरेंस कितना है तो 12,500 बराबर है ना बोलो कितना आएगा 20% 2,000 ना अरे हाँ या ना रिबेट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा दोस्तों 5,00,000 के ऊपर 1 रुपया भी इनकम है ये तो जाती हो रही है सर जिसका 5,00,000 है उसको कोई टैक्स नहीं
कुछ उसका उपाय नहीं है, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। चलो ऐड करो, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन 14,500, कितना आएगा? 580। चेक करो कैलकुलेशन बराबर है क्या सब? ये भी बेटर समझ में आ गया, पहले से इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, धीरे धीरे होगा, चिंता मत करो, सब होगा, सबका होगा। लिख के लिखेंगे टेबल में, चलो लिखो फटाफट, बोलो ये अभी लिखो 5,10,000, कितना आ रहा टैक्स बोलो खाली? 14,500, रिबेट नहीं मिलेगा। हाँ बोलो 4% कितना आ रहा है? 580, 15,080, राउंडेड ऑफ टू 15,080। पीयूष समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बाउंसर जा रहा है? आ गया समझ में? गुड। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 12 लाख, एज 60 है, 12 लाख है, 12 लाख। संभल के करना, गिर ना जाना, चौकन ना रह के सॉल्व करने को मैंने बोला है। क्वेश्चन दो बार पढ़ो, दिमाग में एक सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर सॉल्व करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बोले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 2.5 लाख या 3 लाख? 3 लाख, एक्सेलेंट आंसर। व्हाई? सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख से शुरुआत है, वेरी गुड। लिखो अप टू 3 लाख 0, 3 लाख टू 5 लाख, पहला कितना आ रहा है? वेरी गुड। बाद में हाँ, एंड 10 के ऊपर कितना भी हो, सो यहाँ पे 12 है, सो 10 टू 12 डिफरेंस इज 2 लाख इंटू 30%, कितना आएगा? 60,000। 10 के ऊपर 2 लाख, चलो टोटल बताओ 1 लाख, रिबेट तो आएगा ही नहीं है ना, 5 लाख के ऊपर है। ऐड कितना आंसर? 176,800, परफेक्ट, सही जवाब लॉक किया जाए। लिख दो टेबल में, मिले ये सवाल था 1 करोड़ रुपए के लिए, जो मैं आपको देने वाला हूँ 1 करोड़ बेसिस पे रिकॉर्ड करके रखना। ये बैलेंस अभी जब गलती करेंगे तो वापस ले भी लूंगा ना आपसे। चलो लिखो भी टेबल में, बोलो कितना इनकम है? 12 लाख। उसके बाद कितना रहा टैक्स बोलो टोटल? 1 लाख।
हो गया. नेक्स्ट नेक्स्ट इनकम यहाँ पे लिख के रखता हूँ मैं, 18 लाख एंड 265,500. ओके चलो, अब इनकम 18 लाख है, एज 80 है, बताओ क्या बदल होगा. परफेक्ट. अभी बेटर समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सबका, बढ़ेगा और बढ़ेगा. अपन और 40 क्वेश्चन करने वाले, आप चैंपियन बन के बाहर जाओगे चैप्टर खत्म होने के बाद, लेक्चर के बाद नहीं. ऐसा कुछ तो भी आंसर आना चाहिए. कितना रहा? 4% 13,600. अरे समझ में आ रहा कि नहीं? झेप रहा है कि नहीं आपको? श्रेया समझ में आ रहा है ना? क्या टोटली गॉन? जय, कोई डाउट नहीं ना? चलो लिख दो, लिखेंगे टेबल में. हो गया सबका? लिख दो आप टेबल में. ओके चलो बोले एक बार फटाफट. टैक्स कितना है बोलो? 3 लाख. ये तो सेम रहेगा. आगे बोलो, सेस कितना रहा है? 9. लास्ट आप ट्राई करेंगे, बहुत ही आसान है. एक तो सॉल्व करो, अभी मैंने 6-7 सॉल्व किए. हो गया? गुड. कितना रहा बोलो? टैक्स कितना रहा बोलो? नहीं नहीं, पहले वाला टैक्स 775 बराबर है. रिबेट मिलेगा क्या? यस. कितना मिलेगा रिबेट? 12,500 और 775 विच एवर इज लेस. बोलो कितना मिलेगा? 775 0000. अरे आ जाएगा ना इतना तो? हाँ आना चाहिए अभी. आगे आंसर. हो गया? देखो कैसे लेने का फायदा समझ में आ गया, नहीं तो सत्यानाश. चलो आगे बढ़ेंगे. नाउ एक अलग टाइप का क्वेश्चन है. ये आ रहा है कि मैं सॉल्व करूँ? आ रहे हैं तुमको? आ गया ना? मैं सॉल्व करूँ लास्ट क्वेश्चन, जम गया आपको? ओके चलो. अभी क्वेश्चन बढ़ के बाद उसमें कुछ तो भी नया है, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आए. इनकम 115 लाख दिया, कुछ स्ट्राइक हो रहा है क्या? इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तो क्या आता है? सरचार्ज. तो फर्स्ट टाइम अपन एक सरचार्ज का क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं. सरचार्ज इज ए टैक्स ऑन टैक्स, और ये सेस के पहले आता है और टैक्स के बाद आता है. चलो देखते हैं, लिखो. अच्छा एज कितना है? देखो 60 है. बोलो और एक नई चीज है, 2.5 लाख या 3 लाख?
एक्सेलेंट. चलो देखो फटाफट, बोलो अप टू 3 लाख डिफरेंस कितना है? 3 लाख. रेट नील नील. अभी बुकलेट में लिखो, नोटबुक में नहीं लिखना है, बुकलेट में ही लिखना है अभी. ठीक है, हो गया. आगे बोलो 3 to 5 कितना डिफरेंस है? 2 लाख. उसका 5%. आगे 5 to 10 कितना डिफरेंस है? उसका 20%. एंड ध्यान दो, 10 लाख के ऊपर कितना भी इनकम हो, बोलो टोटल इनकम कितना है? 1 करोड़ 15 लाख. टोटल इनकम कितना है? 115 लाख. मतलब कितना हो गया? 1 करोड़ 15 लाख. माइनस करो 10 लाख, अपने को डिफरेंस चाहिए ना. 10 लाख से 1 करोड़ 15 लाख करो कैलसी पे माइनस. 1 करोड़ 15 लाख माइनस 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख माइनस 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख माइनस 10 लाख कितना रहा है? 1 करोड़ 5 लाख. लिखो 1 करोड़ 5 लाख का 30%. बोलो 1 करोड़ 5 लाख का 30% कितना आएगा? 150,000. एक टोटल ये आ गया अपना ओनली टैक्स. अच्छा 1 करोड़ के ऊपर है लेकिन 2 करोड़ के अंदर है. व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? नाउ वी हैव गॉट 4 रेट ऑफ सरचार्ज. 10, 15, 27, 25, 37. अरे रेट बताओ सरचार्ज का. 10 या 15? 15 एकदम करेक्ट है. वाई 15? 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में ना इनकम, तो 15%. अच्छा सरचार्ज इज ए टैक्स ऑन टैक्स. सो करो कैसे पे 32,60,000 इंटू 15%. 15% लिखा मैंने. टैक्स इंटू 15% बोलो कितना रहा है? 489 आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है. टोटल बताओ कितना आ रहा है? 37 लाख. 49,000. एंड इन सबके ऊपर 4% सेस आता है दोनों पे, आपको पता है ना. इट इज ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज. सो 37 लाख 49,000 का 4% करो. 149,960. चेक करो मेरा कैलकुलेशन सही है कि एक बार. आपके इसके एलसी है ना इसलिए. हो गया. चलो शैल वी गो अहेड. ओके नाउ अभी एक बेसिक मैंने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. अच्छा अभी जो अपने टेबल पढ़े उसमें 4 लोगों के टैक्स रेट मैंने कवर किए. कौन 4 लोग बताओ? इंडिविजुअल, HOF, AOPBY एंड AGP. बोलो आपको बाकी लोगों के टैक्स रेट समझना है क्या? समझना है ना. चलो तो वो भी 2 टेबल देख लेते हैं. अपना एग्जाम में ओरिएंटेशन इंडिविजुअल का ही है, तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इंडिविजुअल की आएंगे. बट एज अ स्टूडेंट ऑफ टैक्स मैं आपको सभी के टैक्स रेट बताने वाला हूँ आपके नॉलेज के लिए. तो अपना फोकस किस पर रहेगा बताओ एग्जाम में? टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल रहेगा. 2.5 लाख वही आएंगे क्वेश्चन, जो अभी अपन ने किया ना वही आएंगे. ये आपके नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, चिंता मत करो. बट इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस, अपने को जानकारी होना जरूरी है ना, क्योंकि ऐसे से तो कोई भी हो सकता है. चलो देखिए अभी डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉर अदर SEC. तो अगर आप देखेंगे मैंने टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो बाकी जितने भी SEC है उसमें से कंपनी को पहले रखा है
एंड बाकी सभी एस को बाद में रखा है। एंड इसमें अमेंडमेंट हुआ है, इसमें दो तीन साल से अमेंडमेंट हो रहा है। देखो अभी क्या अमेंडमेंट हुआ है, जरा ध्यान से सुनना, अभी सुनिए दोस्तों, ध्यान दो। इन दो टेबल की खासियत क्या बताता हूँ, इन दोनों टेबल में एग्जेम्पशंस एप्लीकेबल नहीं है। जो आपने लिखा ना 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख, ये इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या सर, इनकम इनटू टैक्स रेट, इनकम इनटू, तो इनका इनकम सर 12 रुपये रहेगा तो 12 रुपया पे टैक्स आएगा। आपने एकदम सही पकड़ा। तो बोलो ये टेबल पढ़ाने से पहले आपके दिमाग में क्या फिट होना जरूरी है, बोलो क्या इन दोनों टेबल के लिए एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं जो भी टैक्स रेट पढ़ाने जा रहा हूं वो टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय इनकम, वो टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय, तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ स्लैब भी निकालने की जरूरत नहीं है, तो इट्स बहुत फास्ट होता है। चलो देखो पहला, अभी मैं पहला पढ़ूंगा कंपनी का। अभी कंपनी के टेबल में पहले मैं लास्ट लाइन पढ़ना चाहूंगा, उसका रीजन है, अदरवाइज बता दो क्या है। ये आप मैक्सिमम ध्यान में रखोगे, कंपनी के लिए टैक्स रेट 30% है, डायरेक्ट 30%। बोलो तो कंपनी का इनकम 1 लाख रुपया है, डायरेक्ट 1 लाख का 30%, लेकिन अपन होते तो एग्जेम्प्ट क्योंकि आपने लिए 2.5 लाख का क्या है एग्जेम्पशन है। फर्क समझा क्या? तो बोले इन दो टेबल के लिए क्या एप्लीकेबल नहीं है, एक बार हो जाए, स्लैब्स आर एग्जेम्पशंस आर नॉट एप्लीकेबल, इनकम इनटू टैक्स रेट, सिंपल। नाउ अभी इनके लिए सरचार्ज के रेट थोड़े अलग है। आपने लिए कैसे थे 50 लाख टू 1 करोड़ अलग, 1 से 2 करोड़ अलग, 2 से 5 अमेंडमेंट हुआ अलग, एंड 5 के ऊपर अलग। तो आपने लिए जैसे 4 सरचार्ज के रेट है, इनके लिए 2 सरचार्ज के रेट है। अपना लिमिट अलग है, उनका भी लिमिट अलग है। अगर आप देखेंगे मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, बोलिए क्या लिमिट है उनके लिए, 1 करोड़ के ऊपर ही उनको सरचार्ज आता है। तो पहले 4 लोगों को 50 लाख के ऊपर ही सरचार्ज आता है, लेकिन कंपनी अगर है वो भी डोमेस्टिक कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुए, टाटा मोटर्स, बोलो कितना टैक्स आएगा उनको 30%। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज, 1 करोड़ के ऊपर कितना है बोलो 7%, एंड 10 करोड़ के ऊपर 12%, एंड सेस कभी भी चेंज, एसएससी कोई भी हो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज मैंडेटरी एंड इट्स 4%, इट्स मैंडेटरी। एंड तो जब भी आप एग्जाम में टैक्स निकालोगे सेस के बारे में सोचना पागलपन है, वो आता ही है। कोई भी एसएससी हो, कोई भी इनकम हो, कोई भी एसएससी हो, कोई भी इनकम हो, सेस आएगा ही आएगा। दूसरा अभी ऊपर आइए, ये पहले था, मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में सबको प्रॉमिस किया था, स्पेशली कंपनीज को, कि अगर आप हमको वोट देंगे तो हम कॉरपोरेट टैक्स रेट जो 30% है उसको हम 25% करेंगे। तो उन्होंने उनका प्रॉमिस फुलफिल किया है, बट ये सभी कंपनी के लिए अप्लाई नहीं किया है, ये उन्हीं कंपनी के लिए अप्लाई किया कि जिनका टर्नओवर 16-17 का 250 करोड़ या उससे कम है, उनके लिए टैक्स रेट होगा 25%, बाकी सब सेम ही है। अच्छा अभी अगर आपने डाउट पूछना चाहिए, सर ये 16-17 का टर्नओवर 250 करोड़ के अंदर है ना, तो ये टैक्स रेट उसी साल के लिए या अगले सभी साल के लिए, नहीं ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। मतलब अगर आपका 16-17 का टर्नओवर 250 करोड़ है उससे कम है तो आपको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि तुम चाहे तो 25% वाले ऑप्शन में जा सकते हो, बट एक बार गए तो कंटिन्यूस तुमको 25 में रहना पड़ेगा, ये हर साल चेंज नहीं होगा, अगले साल 30% नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे सर ये तो अच्छी बात है ना, मैं टैक्स रेट 25 से दे रहा हूँ, मैं क्यों 30 में जाऊँगा, मेरा तो फायदा हो रहा है 5%। इतना ईजी नहीं है, जब भी आप टैक्स रेट कम करके लेते हो ना, गवर्नमेंट आपके एग्जम्पशन भी बहुत सारे हटा देती है, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है, बट अभी उतना ज़रूरी नहीं है। तो अभी आप इतना ध्यान रखो कि जो छोटे कंपनीज है जिनका टर्नओवर 16-17 में 250 करोड़ है उससे कम था, उनको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया था कि उस साल से तुम कंटिन्यूसली 25% दे सकते हो या 30%, बट ऑप्शन एक बार डिसाइड किया तो वो फाइनल रहेगा, और वो 16-17 में ही डिसाइड करना है कि तुमको 30 में जाना है या 25 में। इसका एनालिसिस अभी अपने सिलेबस में नहीं है, तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये एनालिसिस बाद में देखेंगे फाइनल में, ठीक है आगे। नाउ एंड ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, 17-18 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ है उससे कम होगा तो उनको भी ऑप्शन दिया है, पहले 250 था ना, तो अभी और बड़े कंपनी को ऑप्शन दिया है। मतलब किसी का 350 करोड़ था तो वो 16-17 में नहीं जा पाए स्कीम में,
लेकिन 17-18 में अगर आपका टर्नओवर कितना है, यस, तो आप 25% दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 25, बाकी सब सेम ही है। बस ये पढ़ के रखना, ओके, डोंट वरी। ये आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके ऊपर। समझ में आ गया? कंपनी के लिए समझ में आया, टर्नओवर समझ में आ गया? तो या तो 25 या तो 30, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने ऑप्शन चूज किया, वो एंड तक क्या रहेगा? फाइनल रहेगा। आगे आइए, फॉर अदर एसएससी, पहला आता है फॉरेन कंपनी। पहला कौन आता है? फॉरेन कंपनी, उनके लिए टैक्स रेट है 40%। सो बहुत ज्यादा है, यस, वो पराया धन है ना, पराया धन ज्यादा टैक्स, अपना धन कम टैक्स 30%, इसलिए उनको सरचार्ज के रेट कम है। देखो जरा, 1 करोड़ से 10 करोड़ खाली 2% है, एंड अबव 10 करोड़ कितना है? 5% है। लास्ट कॉलम सबके लिए सेम रहता है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सेम ही रहेगा। समझ में आपको? चलो आगे, पार्टनरशिप फॉर्म एंड एलएलपी, व्हाट इज द टैक्स रेट? 30%। नाउ यहां से दोस्तों एक ध्यान में रखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसके बाद इनकम कितना भी हो, डिफरेंशियल सरचार्ज रेट एप्लीकेबल नहीं, सबके लिए एक ही सरचार्ज है। बाकी अपन ने क्या देखा, जैसे इनकम बढ़ता था सरचार्ज का रेट भी बढ़ता था, अभी इनके लिए कॉन्स्टेंट है। तो 1 करोड़ के ऊपर कितना भी इनकम हो, सरचार्ज का रेट क्या रहेगा? 12% रहेगा, एंड सेस 4%। आगे, लोकल अथॉरिटी, व्हाट इज द टैक्स रेट? 30%। बोलो सरचार्ज कब आएगा? 1 करोड़ के ऊपर, व्हाट इज द रेट? 12%, एंड बाद में सेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर फर्स्ट 10,000, 10%। अभी आप बोलेंगे इनमें स्लैब्स तो एप्लीकेबल है, मैंने क्या कहा था, स्लैब रहेगा तो भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आपने को 2.5 लाख का एग्जम्पशन है, इनको 1 पैसे का एग्जम्पशन नहीं है। तो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम 10,000 तक भी रहेगा तो भी 10% टैक्स देना है। समझा कि नहीं? बट स्लैब है बट एग्जम्पशन नहीं है। अगले 10,000 के लिए 20%, एंड 20,000 के ऊपर जो भी इनकम होगा उसके लिए 30% टैक्स रेट। सरचार्ज कब आएगा? 1 करोड़ के ऊपर तो 12%, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। तो ये हो गए मेजर टैक्स रेट्स। देर आर स्पेशल टैक्स रेट्स ऑल्सो, जिसका डिस्कशन मैं करूंगा कैपिटल गेन में करूंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में करूंगा, बट मेजोरिटी अपन ने कवर की है। ये छोड़ के कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स होते हैं, स्पेशल मतलब वो इनकम स्पेसिफिक होते हैं, ये जनरल है। कुछ इनकम के लिए अलग टैक्स रेट होते हैं, लेकिन मैं अभी धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करूंगा। अभी जो मैंने पढ़ा है इतना इनफ है वहां तक जाने के लिए, जहां जहां पर सही समय आएगा मैं इसमें अपडेट करते रहूंगा। इज क्लियर? मैं आपको अभी भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपको अभी उस चैप्टर की आइडिया नहीं है ना, तो पढ़ा के क्यों कंफ्यूज करना है? तो अभी जितना रिक्वायर्ड मैंने पढ़ा दिया है, एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो ना एक बार रिवाइज करते हैं, मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। बोलिए, इंडिविजुअल एचओएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी, बोलो उनको सरचार्ज कब आता है? 50 लाख के ऊपर, एंड बाकी सभी लोगों को इन दो टेबल में 1 CR के आगे। पहला डिफरेंस समझ में आ गया? बोलो तो कंपनी के लिए बोलो 1 CR से 10 CR। बोलो डोमेस्टिक कंपनी है, 1 CR टू 10 CR, बोलो सरचार्ज कितना है? 7%। अबव 10 CR, परफेक्ट। बोलो फॉरेन कंपनी, 1 CR टू 10 CR, 2%। अबव 10 CR, 5, एंड बाकी सभी एसएससी के लिए, मतलब इस टेबल में जो है वो 1 करोड़ के ऊपर कितना है? 12%, एंड अपने लिए 4। बोलो 50 लाख से 1 करोड़, आंसर दो। अरे अपने लिए कितना सरचार्ज है? 50 लाख से 1 करोड़, 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़, एंड अमेंडमेंट बोलो 2 करोड़ से 5 करोड़, 25, एंड अबव 5 करोड़, 37। उस टेबल में जितने उनके लिए वो है, तो वो टेबल उन 4 लोगों के लिए था, ये अलग है। या तक क्लियर है क्या? ओके, अभी अपन एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन विल टेक कमर्शियल ब्रेक, है ना। ये कंपनी के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, 1 मिनट का काम है, इसको टाइम नहीं लगता। क्यों? इनकम इनटू टैक्स रेट, इतना तो काम है ना, स्लैब, इसमें मिस्टेक होते ही नहीं है, बहुत आसान रहता है। चलो फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो पहला कैलसी सामने रखो, 2 मिनट में खत्म करते हैं। कंप्यूट टैक्स इफ द इनकम ऑफ आर लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज 98 लाख, हाउ वुड योर आंसर डिफर इफ एसएससी इज फॉरेन कंपनी? कुछ फर्क नहीं होगा, 30 की जगह 40 होगा,
अरे हाँ है ना, अच्छा बताओ 98 लाख है, आंसर दो दोस्तों, सरचार्ज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो क्या एक बार 30 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 40 से मल्टीप्लाई करो, 4% ऐड करो, खत्म। चलो लिखो, बोलो इनकम 98 लाख, लिखो 30% करो, डायरेक्टली करना है, कोई स्लैब नहीं, कुछ भी नहीं। सो 98 लाख इंटू 30%, इतना आसान है। हाँ 29 लाख, ये वैसे रहेगा। सरचार्ज ऐड होगा क्या? नहीं। क्यों? कॉपी करो एज इट इज। चलो उसका 4% बोलो, 1,17,000। टोटल बताओ, थर्टी लाख, राउंडेड ऑफ करके भी वही आएगा। बोले कितना आसान है, इट्स ओनली फॉर योर नॉलेज। ओके, चलो अभी आज़म करो, ये था डोमेस्टिक। बोलो फॉरेन कंपनी तो कहाँ पे चेंज होगा बताओ? बस 30 के जगह 40 होगा, कर सकते कि नहीं अपन? चलो फटाफट, 39,24,000। सो बोलो 98 लाख का 40%, 39,24,000, सरचार्ज नहीं आएगा। बोलो इसका 4%, 4076800। हो गया? चलो चलो लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल टेक ब्रेक। अभी ये क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर टैक्स इनकम ऑफ जी लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी इज 112 लाख। बस मैंने एक चेंज किया है, 1,12,00,000 है। बोलो कंपनी है, सरचार्ज आएगा क्या? और आएगा ना। बोलो रेट, बोलो 1 से 10 करोड़ के बीच में डोमेस्टिक कंपनी, हाँ, एंड नीचे दिया है व्हाट विल बी आंसर इफ इट्स अ फॉरेन कंपनी। तो अभी दोनों में सरचार्ज आएगा, एक बार 7%, एक बार 2%, एंड सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स। चलो करो कंप्लीट, अभी आपको आना चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें। चलो करो, 2 मिनट देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। बोलो करो, 1,12,00,000 का 30% कितना आ रहा है? 30 लाख, नहीं नहीं 33 लाख, ओके ठीक है। नाउ अभी ये आएगा देखो 7%, तो 33,60,000 का 7%, टोटल चेक करो 35,95,200, नहीं कितना 1,43,000, 80, चेक करो बराबर लिखा मैंने 143,808 बराबर है ना? हाँ, टोटल कितना आएगा? 9,008 ना?
9008 na? Rounded off to 37,39,010. आगे बढ़ेंगे. चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी टेक ब्रेक. अभी फॉरेन कंपनी है, बोलो दो चेंजेस होंगे, 30 के जगह 40, 7 के जगह 2. सिंपल. तो पहले 40% से कितना आएगा? 89,600 आ रहा है क्या? हाँ. बराबर ना, मैं लिखा वो 89,600 है. कितना रहा टोटल? 45,69,600. Add 4%. 81,82,784. 182. 47,52,300. ये बराबर है क्या? 182,784. अच्छा टोटल बताओ. 52. 47,52,384. सब लोग चेक करो एक बार, कैलकुलेशन कॉपी मत करना. Rounded off to 47,52,380. Is this clear? चलो तो ये था अपना पहला लेक्चर जिसमें हमने बेसिक एक जनरल आइडिया लिया रिगार्डिंग टैक्स कैलकुलेशन. अभी अपने को बहुत प्रैक्टिस करना है, तो ये लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं एंड देन विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. Is this clear? Sure. Thank you.